महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर मामला गरमाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और सीएम ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हिंदू संगठनों ने बुधवार को कोल्हापुर में औरंगजेब और टिप्पू सुल्तान पर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और बंद का आह्वान किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है। वे औरंगजेब की फोटो दिखाते हैं और स्टेटस रखते हैं, इस कारण समाज में दुर्भावना और तनाव पैदा हो रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में सोशल मीडिया पर टिप्पू सुल्तान बनाम औरंगजेब पोस्ट के बाद हिंसा भड़क उठी। दुकानें और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की। गौतम अडानी एक बार फिर बने एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स। मैं केजरीवाल जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी आपके साथ है, केंद्र के अध्यादेश पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई के लिए सरकार ने पहलवानों से मांगा 15 जून तक का टाइम, 30 जून को WFI का चुनाव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का भूमि पूजन किया। मुंबई में मौसम विभाग ने रविवार तक बारिश की संभावना जताई। मानसून के दौरान खुले मैनहॉल की समस्या का कैसे होगा समाधान, बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC से विशेष सेल का गठन को लेकर किए सवाल। नवी मुंबई एयरपोर्ट 2024 तक चालू होने की संभावना। CBI ने समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने वाले आदेश को वापस लेने को कहा। सरकार के खिलाफ चल रही फर्जी खबरों पर 10 जुलाई तक नहीं लिया जाएगा फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट को केंद्र ने दी जानकारी। वेदर फोरकास्ट आपको बता दें, भारत में कहर बरपाने आ रहा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, गोवा गुजरात और मुंबई से टकराने को तैयार। भारती सिंह हर्ष लिम्बाचिया को बड़ी राहत, ड्रग्स मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने दिया रिलीफ। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गंभीर चक्रवाती तूफान में हुआ तब्दील, मानसून की धीमी शुरुआत की संभावना।